अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रिलायबल किचन में। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, चिकन चिली की रेसिपी। तो आइए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया है 1 किलो चिकन, जिसे हमने एकदम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। आप या तो खुद से कट कर लें या फिर चिकन शॉप से ही कट करवा लें। हमने चिकन को अच्छे से धुल के रखा था, अब हम इसे मैरिनेट करते हैं। हम इसमें सबसे पहले 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, 2 पिंच ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे,
चिकन हमारा ज़्यादा है इसलिए हमें जिंजर गार्लिक पेस्ट थोड़ा सा कम लगा, इसलिए हमने एक चम्मच और डाल दिया है। अब हम इसमें 2 टीस्पून तक सोया सॉस डालेंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमें इसमें 2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर डाल देना है, इसे अच्छे से मिक्स करना है। इसे हमें मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। अब हमें कॉर्नफ्लोर को पानी में घोल लेना है। मिनट तक अच्छे से पका लिया है। अब हम इसमें 3 से 4 टीस्पून टोमेटो सॉस ऐड करेंगे। टोमेटो सॉस ऐड करके हमने इसे अच्छे से मिक्स करना है। टोमेटो सॉस हमें थोड़ा सा कम लगा था इसलिए हमने 2 टीस्पून और डाल दिया है। अब 2 टीस्पून के करीब हमें ग्रीन चिली सॉस डाल दिया है, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें फ्राई किया हुआ चिकन डालकर अच्छे से चलाएंगे। अब हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी ऐड कर देंगे, आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप उतना पानी ऐड करें इसमें। हमने ऊपर से इसमें 2 पिंच काली मिर्च पाउडर डाल दिया है। पानी डालने के बाद हमें इसे 5 से 7 मिनट तक अच्छे से पकाना है। हमने इतनी ग्रेवी रखी है क्योंकि अभी गैस का फ्लेम ऑफ करने के बाद भी यह थोड़ा थिक हो जाएगा। तो हमारी बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस चिकन चिली की रेसिपी बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आए तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो प्लीज़ आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है।